इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो सारे अल्फा पार्टिकल तो सेंट्रल लाइन पे नहीं आए, जो सेंट्रल लाइन पे आया था वो उसी तरीके से वापस चला गया मेकिंग एन एंगल ऑफ 180, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा ऊपर से गया वो ग्रेटर देन 90, लेस देन 90 ऐसे एंगल्स पे गया। तो कोई अल्फा पार्टिकल कितनी ऊपर सेंट्रल लाइन से गया तो उस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज़ है, इस सेंट्रल लाइन से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अल्फा पार्टिकल ऊपर गया, इस बी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं करनी है, नहीं हमारे कोर्स में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू ई स्क्वेयर कॉट ऑफ अल्फा बाई टू, अल्फा का मतलब स्कैटरिंग का एंगल है इसका, अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये फॉर्मूला आप इसमें याद रखेंगे बस।